आप लोग ऐसे करें, जिनके पास लैपटॉप है ऑटोकैड इंस्टॉल्ड है, वो सब लोग अपने ऑटोकैड ऑन करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन सामने आपके पास शेयर स्क्रीन से आ रहा होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वो डिफरेंट ऑप्शंस आपको बताएगा। उसमें स्क्रीन जो आपकी ऑटोकैड वाली है वो शेयर करें सारे स्टूडेंट्स। सर, ये मैं सब अथॉरिटी आपके लोगों के पास है, पास अलाउ करेंगे तो देखना जो चाह रहा हूँ कि ऑटोकैड आपने इंस्टॉल कर लिया, और ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपके कोई इश्यूज हैं या नहीं भी हैं, तो हमने जो आज काम करना है वो मैं साथ साथ देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ अभी आई है या नहीं आई ना। सर, ये आपके पास अथॉरिटी आपने वो बंद किया हुआ है पार्टिसिपेंट्स के ओके लिए। ओके ओके, लेट मी अलाउ यू प्लीज। चलें जी, अब मैंने कर दिया, सबको अलाउ कर दिया। हाँ जी हाँ सर जी इनके कंप्यूटर पे है, वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा दी। नहीं जी, यार वो कैमरे से कैसे करेंगे मुझे? नहीं सही, आपको दिखाना। चलो नहीं, मेरी बात सुनो ना, कैमरे की तो जरूरत ही नहीं है, आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है बेटा। देखो, कंप्यूटर पे नेट कनेक्ट नहीं है ना, कंप्यूटर अरे कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। अच्छा चलो, जो मैं लोग, कोशिश कर। अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है एक टाइम में ना एक एक बंदा सिर्फ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, तो हम देख लेते हैं जिन लोगों के पास इंस्टॉल्ड है ऑटोकैड और वो करके सामने दिखाना चाहेंगे सबको वॉलंटरीली, तो हम उनके साथ चलेंगे ना। अभी फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, अभी मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, ये किस स्टूडेंट की है कहाँ से पता चलेगा? सही इम्तियाज अहमद की है। अनस इलियास की है मेरा तो ख्याल नहीं। अच्छा आप वो बोल रहे थे, सिर्फ एक मिनट, इम्तियाज अहमद। ओके अच्छा बेटा, आप जिन लोगों के पास और नहीं है ना, क्या कहते हैं, लैपटॉप वगैरह या वो ऑटोकैड नहीं दिखा सकते, वो अपनी स्क्रीन बेस वो अपनी वीडियो ऑफ रखें प्लीज। जिन लोगों के पास ऑटोकैड नहीं है वो अपनी वीडियो ऑफ रखें प्लीज। हुनैन आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। क्लास अच्छा इम्तियाज बेटा, आपने की है प्रैक्टिस, आपको समझ आ गई है लाइन कमांड की और सर्कल की? यस सर। सर अच्छा अब मैं चाहूंगा कि आप ना सब सारे स्टूडेंट्स को बना के दिखाएं। क्या बनाएंगे आप? ऑक्टागॉन बना दें। कोई ऑक्टोगन बना के दिखाएं यूजिंग लाइन कमांड। यूजिंग लाइन कमांड। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन कमांड सीखी है। ये टेस्ट नहीं है आपका, ये जस्ट मतलब वॉलंटियर वर्क है, अगर नहीं होगा तो हम ओके यस सर। करेंगे। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन कमांड स्टक करनी है यहाँ से, एंड देन यहाँ से हम लेट्स से स्टक कर लेते हैं ये लाइन। वन टू अच्छा इसमें थोड़ा सा ना एंगल का चक्कर आ जाता है हम। अच्छा ऑक्टोगॉन को छोड़ दो अभी फिलहाल, आप ये बनाओ, आपने बनाना है पेंटागॉन बनानी है। पेंटागॉन में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो एक 90 तो हमारे पास आ जाएगी ये बेस लाइन, उसकी एक यू और दो ऊपर से डायरेक्ट मैच कर देंगे। हाँ यू चलिए आप विदाउट एंगल बना दें। हाँ नहीं ठीक, है तो बना रैंडम रहे बना सर, दें। ऐसे कोई नहीं पता ठीक है ठीक है सही। ठीक, हम रैंडमली बना लेते हैं, मतलब ये सही है, जबरदस्त। ठीक है, और इसको एंड कैसे करते हैं इस कमांड को? गुड, सही है। अब आप ये करें, आप इसके अंदर एक स्टार बना के दिखाएं, लाइन इसके अंदर कमांड एक यूज करें। स्टार लाइन हाँ इसके कमांड अंदर एक सर। स्टार बनाएंगे। यस अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये जो आपने पेंटागॉन की बेस लाइन लगाई है उसके मिड पॉइंट से लाइन स्टार्ट करनी है,
और पेंटागॉन का वहां तक लेके जानी है। बेस लाइन के ओके मिड सर, पॉइंट से लाइन स्टार्ट करेंगे। यस जब सर, मिड पॉइंट के लिए ना, ये खुद आपको इंडिकेट करता है कि मिड पॉइंट कहाँ पे होगा। आप दरमियान में आओ ना, ये आपको इस टाइम पे नहीं बता रहा। सर हाँ, यहाँ इस कॉर्नर से ना कर दूँ, यहाँ से ऊपर से टॉप से वहां से लो, परपेंडिकुलर, यहाँ से ले लिया और वहां से ये परपेंडिकुलर भी गिरा सकते हैं इसके ऊपर। यस एग्जैक्टली। लेकिन इसका ना एक ऑप्शन होता है जिससे हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि किसी लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है। वो मैं आपको बताता हूँ। वो ओ स्नैप से आता है। कमांड लाइन में ओ स्नैप लिखें आप, ओ स्नैप, और फिर एंटर करें। जी। ये सर नीचे से मैंने क्लिक कर दिया, वो जो नीचे हमारे हाँ पास ना जहाँ पे ऑर्थो पोलर आती है वहां से मैंने क्लिक कर दिया, ये ओ स्नैप ऑन है। नहीं, ओ स्नैप ऑन ऑफ करने की ऑप्शन यहाँ पे होती है, लेकिन वो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर और भी मजीद ऑप्शंस होती हैं। वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं ना, वन बाय वन। सर मैंने लिखा ओ स्नैप, इसे कर दिया एंटर, ये हो गया हाँ, अब ये देखें सामने, अब आपके पास जो ऑप्शन आई है इसमें एक मिड ये पॉइंट है। मिड। हाँ, मिड पॉइंट को चेक यस कर सर दें और ओके कर दें। कर दिया। अब अगर मैंने लाइन कमांड अपनी सेलेक्ट कर ली है, एल लिख के एंटर किया सर, यस, यहाँ से ये समझ आ गया। ये वो। अब किसी और लाइन से देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ऊपर वाली लाइन का पॉइंट दिखा रहा है या मिड पॉइंट दिखा रहा है। ये मिड में जाए, मिड में ये देखें। ओके, इस लाइन का ये मिड दिखा रहा है, यस सर हाँ। डन। तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ड्यूरिंग ड्राइंग एनी ऑब्जेक्ट आपको जरूरत पड़ेगी कि किसी लाइन के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन लेनी है, तो बजाय इसके कि आप उसकी वैल्यू लें, उसको 2 पे डिवाइड करें और फिर उतनी लाइन से खुद आप वो कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंटली आपको खुद ही बताता है कि मिड पॉइंट कौन सा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप नीचे हैं तो इसमें ना ये पेंटागॉन की ऑप्शन है, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे, एक्सक्यूज मी सर, फोर्थ बोले बेटा। सर अगर हमने लाइन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना हो, ये थ्री पार्ट्स तो हो गए ना, ये दो कॉर्नर एक मिड में, और अगर फोर पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो। अच्छा, फोर पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन आप ये देखो कि उसको ना, फिर आपको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका मिड पॉइंट लेना होगा, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट इज जस्ट अ मिड पॉइंट ना। तो मिड पॉइंट लेने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन के पहले दो पार्ट्स करोगे और फिर जो एक छोटा पार्ट बच जाएगा उसका फिर मिड पॉइंट ले लोगे, तो वो फोर्थ पार्ट आपके पास आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। इम्तियाज, थैंक यू यार, अब आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं बेटा आप सब लोग? मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि सब लोगों ने कम से कम एक दफा तो लाजमी ये चीजें करके देखी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है यार ये। इसमें ये कोई काम थोड़ी था, ये तो था आपका इंजॉयमेंट कि बंदा यार इसको वैसे ही हंसते खेलते हुए कर लेता है ना, तो ये मजेदार चीजें हैं। तो मैं कोशिश यही है मेरी कि आप लोगों का ना इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाए, ताकि आप इसको, अब ये देखें इसके अंदर कितनी ऑप्शन है। एंड पॉइंट यानी किसी भी लाइन का या किसी भी ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट से भी आपको ये आइडेंटिफाई करके देगा कि कौन सा वो पॉइंट है। मिड पॉइंट से भी बता सकता है, सेंटर से, नोड, क्वाड्रेंट, पैरेलल। दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तब ये इंडिकेट करेगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अपेरेंट इंटरसेक्शन, नियरेस्ट पॉइंट, टेंजेंट, पेंडिकुलर इंसर्शन, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन आप इनको ऑन कर सकते हैं। हमने मिड पॉइंट ऑन किया हुआ है, तो हम अगर लाइन की कमांड यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें ये मिड पॉइंट बता रहे हैं। ये मिड पॉइंट हमने यहां तक एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा लाइन सेलेक्ट करते हैं और जो फोर्थ पार्ट वाली बात की थी बच्चे ने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी एक और अजम्पशन करनी पड़ेगी। वो लाइन हम यहाँ से लेंगे, ये लाइन ली यहाँ से लेके ये मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रा कर ली, फिर लाइन की कमांड ली, फिर इसके हाफ पे जाएंगे, ये अब फोर्थ पॉइंट आपके पास। ठीक है, ये 1/4 है और ये मिड पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जितना ये स्पेस है ये वाली, उतनी स्पेस इस यहाँ पे एक लाइन और आ जाए, तो उसके लिए ऑफसेट की कमांड भी यूज करते हैं, ऑफसेट। ठीक है,
OFFST ऑफसेट। अब ये नीचे देखें क्या कह रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डिस्टेंस बताने लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस बता दिया। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफसेट, ये ऑब्जेक्ट है, और स्पेसिफाई द पॉइंट और साइड, इस साइड पे हमने ड्रा करना है। तो ये देखें, देखा बेटा आपने, ये ऑफसेट आपके पास डायरेक्ट आ गया, हालांकि यहाँ पे सेंटर मिड पॉइंट हमें नहीं दिखा रहा था ये। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इसका मैंने ऑफसेट इस साइड पे ड्रा करना है, राइट साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑफसेट, मैं दोबारा वही चीज रिपीट करने लगा, ऑफसेट लिखा, OFFST कमांड है। और अब वो नीचे कह रहा है आपको हर चीज में, ये नीचे गाइड करेगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ये ऑब्जेक्ट है जो हमने ऑफसेट करना है और इस पॉइंट पे करना है। ये देखिए, सही है बेटा। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है, इसको मैं इस साइड पे एग्जैक्ट किसी भी मतलब डिस्टेंस के ऊपर, अपनी मर्जी के डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट कर सकता हूँ। ऑफसेट लिखेंगे, एंटर किया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ये आ गया, ये साइड पे ऑफसेट हो गया। इस तरीके से ये इस साइड पे ऑफसेट हो गया, ये इस साइड पे ऑफसेट हो गया। तो आप अपनी मर्जी के साथ जैसे कर चाहें आप इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इन सारी की सारी कमांड्स को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सी कमांड है जी, इस सब को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये लाइन कमांड, उसके नीचे हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ना, ये बहुत लंबी एक लाइन होती है और ये रेफरेंस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपके पास ना एक किसी एंगल के ऊपर लाइन लगी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको खत्म करते हैं और ये लाइन है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है ना कंस्ट्रक्शन लाइन, ये 45 के एंगल के ऊपर लगी रहे ना, तो आप इसको 45 के एंगल के ऊपर लगा के सिलेक्ट करोगे। ये देखें, ये 45 दिखा रहा है, ये सिलेक्ट होगी। अब ये लाइन लगी हुई है इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्राइंग और बनानी है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपने 45 के ऊपर एक जो है वो आपने ड्रा करनी है ट्राइंगल, ये आपके पास रेफरेंस वाली जो एक लाइन थी वो, ये वही लगी हुई है 45, ये इसके रेफरेंस से आपने ये बाकी लाइंस लगा ली। तो ये बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, दैट इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। यूसीएस आइकॉन को जरा ठीक कर लें, ये साथ साथ चल रहा है। ये अभी UCS icon XYZ वाला साइड पे रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड थर्ड लाइन के ऊपर, हमारे पास पॉली लाइन है ये, ठीक है। पॉली लाइन होती है, आप एक से ज्यादा लाइंस लगाना चाह रहे हैं पॉली लाइन में, और लाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी उसी तरीके से लाइन लगाती है जिस तरह वो लगाती है। तो हम पॉली लाइन के बजाय लाइन्स ही मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद ये पेंटागॉन है, ये आप देखें, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। हाँ, अब वो पूछ रहा है कि आपने पॉलीगॉन जो ड्रा करनी है उसकी कितनी साइड्स होंगी। हम कह देते हैं जी, अभी जो ऑक्टागॉन में आपको कह रहा था, ऑक्टागॉन में 8 साइड्स होती हैं, तो 8 एंटर किया, प्रेस किया। उसके बाद वो कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, ये हम कहते हैं ये सेंटर है। अब वो पूछ रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। ये आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स कौन सी होती हैं और सर्कमस्क्राइब्ड कौन सी होती हैं। एक होती हैं जिनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है, और दूसरी वो होती हैं जिनके जो एजेस होते हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ। इंस्क्राइब की अगर बात करें तो ये देखें, ये अब जो हम इसको रेडियस बता रहे हैं उस रेडियस के ऊपर एज लाई कर रहा है इंस्क्राइब के लिए, ठीक है। अब इसके पैरेलली मैं आपको ये दूसरी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें भी हमने 8 साइड्स रखी हैं, सेंटर हम इसको ये बता देते हैं और सर्कमस्क्राइब बना रहे हैं। तो ये देखें, ये अब एज के ऊपर नहीं आ रहा, ये अब सॉरी कॉर्नर के ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि एज के ऊपर आपको रेडियस बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस सर्कल के अबाउट ये पॉलीगॉन
सर्कमस्क्राइब्ड है उसका रेडियस इस पॉलीगॉन के एज के ऊपर है ना के कॉर्नर के ऊपर है। तो ये डिफरेंस है, आपको ड्राइंग बनाते हुए अक्सर इनकी अलग अलग जरूरत पड़ती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाएं जी हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास नीचे जो चीज आती है आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आप कह रहे हैं स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट ये आपने बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं अदर कॉर्नर पॉइंट, ये आप अदर कॉर्नर पॉइंट खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, आपने ये खुद डिफाइन कर दिया, सही है जी। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब ये है रैंडम, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक यानी उसके ऊपर बनाना चाह रहे हो किसी डायमेंशन के ऊपर, फर्स्ट कॉर्नर आपने दिया। अब ये नीचे ऑप्शन देखें, वो कह रहा है एरिया, डायमेंशन या रोटेशन, इन तीनों की बेसिस के ऊपर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं हमने डायमेंशन के हिसाब से इसको करना है, डी आई एम लिखेंगे डायमेंशंस, एंटर किया। अब वो पूछ रहा है कि लेंथ बताएं इसकी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हम कहते हैं जी 20 इसकी लेंथ होगी। वो कह रहे हैं जी विड्थ बताएं, हम कहते हैं जी 15 इसकी विड्थ होगी। एंटर किया, ये वो आ गई जो रेक्टेंगल हम बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, नीचे रखनी है या ऊपर रखनी है, हम इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गई अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कैसे रेक्टेंगल बनानी है। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट इसमें सर्कल है, सर्कल के लिए मैंने आपको बताया था रेडियस आप बताएंगे, सेंटर पॉइंट बताएंगे, तो ये आपको बना के दे देगा। अच्छा, इसमें ये एसपी लाइन है, ये ज्यादा यूज नहीं होती। इलिप्स है, इलिप्स में आपने ये मेजर एक्सिस बतानी होती है फिर माइनर एक्सिस बतानी होती है, तो ये आपको इलिप्स बना देता है। मेजर एक्सिस, इलिप्स में मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। ठीक है जी, ये इलिप्स की शेप बन गई। अच्छा, इसमें हर चीज जो है ना आपने खुद अब एक्सप्लोर करनी है। फॉर एग्जांपल नेम आपने लिखना है, आपने अभी काम किया आज, इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि नेम कैसे लिखते हैं। एंटर किया, यहाँ से इसका साइज ज्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये इसका जो है ना ये पहला इसमें दरमियान में देखें तो ये टेबल है। अगर आपने टेबल में कोई चीजें डालनी है तो आप ओके करें, ये टेबल बन जाएगा। टेबल में कोई चीज लिखनी जा रही है लेकिन जरूरत नहीं पड़ती इसकी आमतौर पे ना। अच्छा, इसमें आ जाए ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट आपको ये बताता है अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करना है तो उसके डिफरेंट कलर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर किया जा सकता है इसी तरीके से। ये पैटर्न होता है हैच, हैच पैटर्न आप डाल सकते हैं किसी भी अपने जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो होता है ना पिक पॉइंट, ये सिलेक्ट करने के लिए होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये करना चाह रहे हैं ना यूज फीचर। ये एंटर किया, ओके किया, ये देखें ये वो पैटर्न बन गया। ठीक है जी, इस तरह करके ये पहला आपका टूल बार कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाएं आप दूसरे पे इरेज, इरेज पे क्लिक किया, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, वो इरेज हो गया उसके अंदर से जो बना हुआ था। फिर दोबारा इरेज को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, वो खत्म हो गया। इरेज की कमांड से आप कोई भी चीज खत्म कर सकते हैं, सेलेक्ट किया, एंटर किया, खत्म हो गया। इरेज को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट गायब हो गया। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए कॉपी कमांड के ऊपर। कॉपी कमांड जो है ना ये देखें, अब आपको बता रही है कि अगर कॉपी करना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, नीचे देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपको नीचे गाइड करता है कमांड। ये आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब आपसे पूछ रहा है कि कॉपी जो आप करना चाह रहे हैं बेस पॉइंट इसका जो है ना, या डिस्प्लेसमेंट आप इसकी सेलेक्ट करें, तो ये हमने बेस पॉइंट ले लिया। अब इसको जहां मर्जी लेके जाओ, क्लिक करो, ये कॉपी बना देगा। इसको लेके जाके क्लिक करते रहो, सेम सर्कल की कॉपी बनती जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड से जो आपने काम किया होता है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, एस्केप बटन दबा के ये कमांड को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाती है मिरर की ऑप्शन। मिरर क्या होता है? मिरर ये होता है कि जो भी चीज आपने बनाई हुई है उसका मिरर इमेज लेना चाह रहे हैं। मिरर इमेज, अगर आप अपना चेहरा शीशे में देखें तो आपको पता है मिरर इमेज किस तरीके से आ रहा होता है। ठीक है जी,
है, बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको इमेज बना के देगा। ये मिरर हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले नीचे देखें वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, वो कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये हमने पॉइंट बता दिया, अब दूसरा पॉइंट बताना है, ये बता दिया। वो कह रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट जो है उसको आप इरेज करना चाह रहे हो या उसको भी रखना चाह रहे हो। हम कहते हैं नो, यानी इसको इरेज नहीं करना, एंटर कर लिए, ये उसका मिरर इमेज बन गया। अब ये आपको सर्कल है इसलिए मिरर इमेज का आईडी नहीं हो रहा होगा ये किस तरीके से डिफरेंट है। मैं आपको अब ये एक और चीज बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, ठीक है, इसको किया एंटर, इसको किया इरेज। बेटा आप मेरे साथ हैं ना, मैं अकेला ही तो नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता चले मैं अकेला ही नहीं लगा हुआ, मेरे साथ लोग और भी। अच्छा, अब बड़ी अहम बात अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने मिरर करना है, मिरर इमेज इसका लेना है। मिरर इमेज लेने से पहले फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले मेथड बताया, यहाँ पे हम क्लिक करें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने पहले यहाँ से सिलेक्ट किया था, ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया। अब ये देखें उसने ना सिर्फ एक लाइन ही यहाँ पे मिरर किया, पूरा ऑब्जेक्ट मिरर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके आओ तो आपको पता चल रहा है हर लाइन अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, इकट्ठी सिलेक्ट नहीं हो रही है, पता चल रहा है बेटा। लेकिन जो पहले हमने सर्कल लिया हुआ था या कोई और फिगर ली हुई थी, वो सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अगर आप देखें तो ये देखें, ये इसके ऊपर लाने से सारे का सारा इकट्ठा ही हाईलाइट होता है, लेकिन ये एक एक लाइन हाईलाइट हो रही है। जब आप लाइन कमांड से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो आपको अकेला अकेला जो है ना, वो लाइन को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको कम्प्लीट एक बाउंड्री बनाना पड़ता है पहले। उसके लिए भी कमांड है, उसके लिए कमांड है, आप कमांड बॉक्स में बी ओ लिखोगे, बाउंड्री के लिए कमांड है ये बी ओ, एंटर। अब वो आपसे पूछ रहा है पिक अ पॉइंट, आपने इसे सिलेक्ट किया, ये सेंटर में, ऑब्जेक्ट के सेंटर में जाकर क्लिक किया, एंटर किया। अब ये देखिए फर्क पता चल रहा है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब आप मिरर करेंगे तो अब ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा आपको, अब यहाँ पे मिरर कमांड सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को एंटर करें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर। अब ये देखें, अब उसने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिरर कर दिया, यानी इसका जो एज यहाँ पे था वो दूसरी साइड पे होगा, क्योंकि ये मिरर इमेज है। सही है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, कॉपी में और मिरर में ये डिफरेंस है। कॉपी में जो चीज है, अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से इसको होल्ड किया, यहाँ पे लेके गया। अब ये देखो फर्क पता चल रहा है, ये एग्जैक्ट वही चीज आगे जाएगी कॉपी में, और मिरर के अंदर उसका इन्वर्टेड इमेज जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड अबाउट दैट लाइन व्हिच वी हैव जस्ट सेलेक्टेड, तो एक जो है वो परपेंडिकुलर कर दें, मतलब इसके अगेंस्ट पैरेलल ही हो लेकिन ऑन अ सेम रेफरेंस लाइन कर लें, मतलब ऊपर कर दें मिरर की, तो हमने इसकी लेफ्ट साइड पे कर लिया ना या राइट किसी भी एक साइड पे किया। अब टॉप और बॉटम पे हमने मिरर करना तो सर वो भी कर सकता है। हां मैं बता देता हूं आपको, आप फॉर एग्जांपल सेम जो है ना इसको टॉप पे अब मिरर करना चाह रहे हो, ठीक है, वही मेथड है मिरर के लिए। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट की ये वाली ऑप्शन, इस तरीके से एम आई मिरर के लिए कमांड यूज होती है, ठीक है, एम आई कमांड है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एंटर किया, और अब ये बता रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल इसको टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक लाइन इमेजिनरी, यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, एंटर किया, ये ऊपर चली गई, ठीक है। इम्तियाज समझ लग रही है बेटा? Yes, I got it. चलो इसी तरीके से इसको किसी भी साइड पे किसी एंगल पे भी लेके जा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल इसी इमेज को आप 45 एंगल के ऊपर मिरर करना चाह रहे हैं, इसी इमेज को, तो आप क्या करेंगे, आप मिरर कमांड को सेलेक्ट किया या मिरर एम आई से लिखा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपने ये एक लाइन लगाई, जो कि ये देखिए आप एंगल भी बता रहे हैं ना, आपको एंगल, अब आप वो स्नैप जो ऑन किया हुआ है वहां से एंगल पता चल रहा है, तो ये आपने 45 के ऊपर एंगल सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब इसने 45 के ऊपर मिरर कर दिया, ठीक है बेटा।
तो आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन डिफरेंट किस्म की चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आप मैं जो आपको आज का टास्क दूंगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है इसी तरीके से यूज होंगी। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा, सीरीज अभी हमने बनाया था उसने एंगल किस चीज को बेस करते हुए लिए, मतलब उस रेफरेंस लाइन जो हमने ड्रॉ की है मिरर करने के लिए, उसने उस लाइन का एंगल किस बिहाफ पे लिया है? हाँ, वो जो एंगल है ना, वो एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको आप मिरर करना चाह रहे हो, एंगल आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस के साथ ही देना है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल जो ऑब्जेक्ट था तो उसका हॉरिजॉन्टल था नहीं, यानी वो तो एक पॉइंट ही था, वो एक इंक्लाइन लाइन आ रही थी हॉरिजॉन्टल। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो जो भी होगा उसको ये देखो ना, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन थी, किया इसको ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर किया, अब मिरर के ऊपर आए, अगर